बात कई बार न्यूज सुनने में आवे जी, एक भी जो मास्टर है नी, जो सरकारी मास्टर, उनके जो बालक है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, जिसका बारे में बढ़िया। अच्छा तो उन्हें बता, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट करने आवे? हाँ, कि मैं एक सेंटेंस बोल दूंगा उसकी ट्रांसलेट करिए दूं, है वंश देर बाजे लोमड़ी सी बाज मारा खेत में जा बड़ी मारा डड़ा धड़ पड़ी तो मिले आप नो इना जरूर दुआ जी। इसमें अगर मैं बात करूं तो बच्चे की तरफ से भी एक खर्च रह गया इसमें, क्योंकि इंटरनेट का खर्च भी करना पड़ेगा उसने, और इसमें फंक्शनिंग की अगर मैं बात करूं तो जो आड़े के स्टाफ है उनसे पूछांगे इसके बारे में थोड़ा फंक्शनल जानकारी कौन दे आप दे। फंक्शनल इसमें केवल एजुकेशन से रिलेटेड एप्स हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पबजी वगैरह तो नहीं चलेगा, नहीं इसमें और कुछ नहीं चलेगा। और जो कुछ भी बच्चे काम करेंगे इस पे उसकी साइट पे उसकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, अगर बच्चे उसका मिसयूज करते हैं तो पता चल जाता है। अच्छा नहीं बताओ बच्चों, गेम कौन कौन खेलिया करे मोबाइल में? राना जी भाई कैमरा मैन थी कहूँगा मैं, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर ले। गेम कौन कौन खेलिया करे? हाँ तो कोई नहीं भरा है खेलिया करे। बेटे सुनो मेरी बात, जिंदगी में जो है लगभग 25 साल की उम्र जो है ना, 25 साल तक जो बच्चा पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे लेगा और गेम खेलो तो वह गेम खेलो जिससे अपना शारीरिक विकास हो है, वह गेम ना खेलो जिसमें कि दिमाग खराब हो है। ये पबजी वर्गे ब्लू व्हेल और बिरन किसे किसे गेम है, पता नहीं बेटे कई बच्चे जो है इसमें बीमार भी हो जाए हैं, मानसिक उनका संतुलन खराब हो जाए है। तो इस तक कदे भी जो है ना इसका मिसयूज मत करियो, बढ़िया पढ़ाई में यूज करो इसका, क्योंकि इस तरह के अगर तुम इसमें धक्का आए तो गेम गेम खेलोगे नहीं, यू तो खराब हो होगा गिले तरह दिमाग भी खराब होगा। हाँ जी ये तो है, बच्चे देखो खेलना है तो शारीरिक खेल खेलो, ग्राउंड में खेलो, उनसे हमारी शारीरिक सेहत भी ठीक रहेगी। तो हमें जो साधन मिलता सरकार देती है उससे हम अपना इम्प्रूवमेंट करें, ना कि उसका कोई दुरुपयोग करें या फिर गलत आदतों का शिकार हो जाएं। तो उस बात के कंट्रोल के लिए वो ऐप लगाए ही नहीं, इसमें बंद कर दिए गए हैं। तो कुछ ऐप छोड़ दिए गए हैं ताकि बच्चे की मानसिकता का पता चले कि बच्चा किस प्रकार की गतिविधियों में रुचियां लेता है। तो मैडम इसमें अगर मैं बात करूं तो बच्चे की तरफ से भी एक खर्च रह गया इसमें, क्योंकि इंटरनेट का खर्च भी करना पड़ेगा उसने। बच्चे को एक्टिवेट किया हुआ सिम मिलेगा। अच्छा। और इंटरनेट का बच्चे को कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। बड़ी बात है, बड़ी बात। हाँ पूरा खर्चा सरकार ने दे दिया, टैबलेट भी सरकार ने दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और नेट का भी इनको पूरे साल का खर्चा देगी। हाँ पूरे साल तक नेट फ्री। हाँ नेट फ्री है बच्चे का, और सिम भी सरकार इनको साथ में ही एक्टिवेट करके इनको सारा एक्टिवेशन का काम भी हमारा स्टाफ करेगा इसका। मारा और एडमिशन कर लो मैडम। हाँ जी क्लास में ये तो वही है कि काई कास कोई लौटा दे मेरे वो बीते हुए दिन, तो वो तो हमारे पास नहीं आ सकते। हमारे टाइम में तो सारा मैनुअल काम करना होता था, और टीचर जिस प्रकार से हमें डील करते थे, टीचर बहुत अच्छे होते थे उस टाइम भी। लेकिन अब जो हमारे साथ टेक्नोलॉजी है तो इसका और साथ मिला है आधुनिक युग में, उसके साथ चलने के लिए ये टेक्नोलॉजिकल हेल्प जो मिली है बच्चों को, ये इनके विकास के लिए बहुत ही सहायक होगी। इसके लिए हम अपने महकमे का, अपने विभाग का और सीएम साहब का, एजुकेशन मिनिस्टर का, निदेशालय का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, ताकि हमारा ये भविष्य आगामी भारत है ये एक पूरे संसार की रेस में आगे निकले और अच्छे से अपने भविष्य को उज्जवल करें, देश की सेवा करें। बहुत बड़ी बात कह दी मैडम। बाकी पाछा एक बेंच खाली है, एक मारा कैमरा मैन एक मैं बैठ जाएंगे, मारे एडमिशन जरूर कर लो। ये हो रहा है सर, जब ये प्लस टू पास कर जाएंगे तो ये वो स्कूल की प्रॉपर्टी है, वापस स्कूल में ही इनको जमा कराने पड़ेंगे। ये हमने पेरेंट से हमने अंडरटेकिंग ले ली है, जो ही बच्चा या जैसे दसवीं क्लास है, ये अगर ये प्लस वन में यहाँ एडमिशन नहीं लेंगे तो इनका SLC तब इश्यू होगा जब ये वापिस यहाँ जमा करवा लेंगे। ये तो ठीक वो काम हो गया भाई, जो सरकारी नंबर नहीं आग रहे हैं पुलिस महकमे दो रहे, SHO की बदली हो जाए लेकिन नंबर हो रहे होगा, तो ठीक बहुत बढ़िया है। यानी कि आने वाले जो अगली क्लास नौवीं क्लास जब दसवीं में होगी तो यो टैबलेट उनका काम आ जाएगा, उनको मिल जाएगा। और अभी फर्स्ट फेज में दसवीं और बारहवीं क्लास को टैब्स दिए हैं, और अब सेकंड फेज में जुलाई से पहले नौवीं और ग्यारहवीं क्लास के बच्चों के लिए भी टैब्स आ जाएंगे। बालक बालिका ने मिले टीचर ने मिले, यहाँ टीचर्स को मिले हैं फर्स्ट फेज में, लैंग्वेज टीचर्स को और हमारे जो SS टीचर्स हैं और साथ में IT और कंप्यूटर के टीचर्स हैं उनको मिले हैं। अब सेकंड फेज में सभी को मिल जाएंगे। सबको मिले, आपने मिल गया? नो
इन्हें जरूर दुआओ जी। को नहीं मिले हैं सर अभी, साइंस वालों को नहीं मिले। आपने मिल गए? हाँ जी। देखो टैबलेट मिले पास है, टैबलेट मिले पास तो इजाम हुआ है, और मिलन की बात में इजाम हुआ है। बिना मिले भी साय हुआ है हमारे पास। एक मिनट, हमारे पास इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड है वो मतलब बच्चों को इतने अच्छे से एजुकेट करता है, उसमें टैबलेट से भी ज्यादा अच्छे से बच्चे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको तो इस बात की खुशी है कि मिलेगा, इनको इस बात की खुशी है कि मिल लिया। भाई तू जाके मैं देखा तने मिल जाएगा, चिंता न कर। जब तू इस क्लास में तेरा एडमिशन होगा तने मिल जाएगा। तो बहुत गजब की मुहिम है, वाक्य में तो हम देख सको हर बच्चे के ऊपर, चेहरे के ऊपर स्माइल है। क्या नाम? रोहित सर। रोहित? हाँ जी। अच्छा, किस करे प्रयोग? कितने दिन हो गए तने मिले? मेरे को आज ही मिला है। आज ही मिला है? हाँ। तो दिल गार्डन गार्डन हो गया? हाँ जी। खुश हो गया? हाँ जी। लड्डू फूटा? यस सर। तो भाई जब लड्डू फूटेगा तो आगरा बोला बोरा तो बांधा होगा। तो हर बच्चा के चेहरे के ऊपर स्माइल है, और फिर कहूँगा इसमें कोई भी इस तरह की छेड़छाड़ या इसमें कोई गेम खेलने की कोशिश मत करियो, क्योंकि ये आपका भविष्य ब्राइट करेगा। ये जो टैबलेट है ब्राइट करेगा आपका फ्यूचर, और जो टीचर हैं आपके, जो अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, उनके मार्गदर्शन में आप इसका प्रयोग करो। जो टेक्निकल इसको बताने के लिए कौन है जी भाई? कैसे टेक्निकल बताने के लिए यहाँ अभी कंप्यूटर साइंस की टीचर हैं, मैडम है PGT, और IT के यहाँ टीचर हैं। उन्होंने बच्चों को तो बता दिया है, और साथ साथ में जैसे देंगे, लेकिन कुछ दिन के लिए टीचर्स की भी ट्रेनिंग होगी और बच्चों को भी बताया जाएगा, पूरा मार्गदर्शन करेंगे हमारा यहाँ। तो एक बात की तो खुशी है भाई, तो हम कदम नहीं सोच दो, हमने पढ़ना पड़ा है, पढ़ना ही नहीं पड़ा है, ठीक है। और जो करता हमने पास होने की दिक्कत हो नहीं भाई, पास होंगे फेल होंगे, तो न्यू है जो टीचर हैं उनने उनकी भी एक परीक्षा हुआ है, तारे को पास करवाना वो भी उनके लिए किसी परीक्षा तक कम को नहीं। क्यों जी मास्टर? बिल्कुल, ये अब हमारी और ज्यादा जिम्मेवारी हो गई है। ऑनलाइन जो मोड है, सिस्टम है, उसमें पहले हमने खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा, उसके बाद हम बच्चों से टच में होंगे। दूसरी बात, हमारी पूरी रिकॉर्डिंग होगी, अगर हम कोई टॉपिक गलत पढ़ाते हैं या गलत वो करते हैं तो हमारा पूरा डाटा होगा। तो अब इस करके जो टीचर है उसकी और ज्यादा जिम्मेवारी होगी, अपना जो सब्जेक्ट का टॉपिक है उसको परफेक्ट करके पहले अपने सिस्टम में लेके तब बच्चों को आगे डिलीवर करेंगे। एक बात कई बार न्यूज सुनने में आवा जी, भी जो मास्टर है नहीं, जो सरकारी मास्टर, उनके जो बालक हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, इसके बारे में बड़ी टेंशन हो। आप बताओगे? मैं बताती हूँ जी, महंगा सवाल। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी, और उसके अट्रैक्शन में बेशक बच्चों को वहाँ भेज देते होंगे, लेकिन हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स के बहुत सारे बच्चे आए हैं, उन बच्चों ने कंपैरिजन किया। कंपैरेटिवली यहाँ बच्चों को फ्रीडम है सोचने की, अपनी भावनाओं को एक्सप्लेन करने की, टीचर से सवाल करने की, और टीचर से के साथ इंटरेक्ट होने की, यहाँ ज्यादा छूट है। वहाँ पाबंदियां बहुत है प्राइवेट स्कूलों में, तो बच्चों को एक तरह से एक बोनसाई तैयार किया जाता है वहाँ, और यहाँ बच्चे को अपना सेल्फ अप्रेजल करने का, अपना विकास करने का बहुत अवसर मिलता है, और टीचर हमेशा अवेलेबल होते हैं उनकी हर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और एक और बात बता दूं, मेरे दो बच्चे हैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा, दोनों को मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाया है। और बता दो भाई बड़को, बहुत गजब की बात है, अर्जुन का आग्रह सब पहली बार सुने हमने, नहीं तो ज्यादातर जो सरकारी टीचर हैं उनके जो बालक हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ दे पाए हैं, ये हमने पड़ताल कर रखी है। बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े प्राइमरी क्लासेस में, लेकिन फिर बाद में मैंने उनको यहाँ, मैं पिंडारा से रिलेटेड, मेरा रेजिडेंस पिंडारा है, तो मैंने पिंडारा के स्कूल में वहाँ एडमिशन करवाया, पहले बेटी का करवाया था, वहाँ मिडिल तक का स्कूल था तब तक, वहाँ से मिडिल पास की उसने, फिर बेटे को करवाया वहाँ एडमिशन, तो इम्प्रूवमेंट उनकी प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा सरकारी स्कूल में हुई। तो मैं तब से मेरा बड़ा दिल खुश हुआ कि हमारे टीचर ज्यादा लायक हैं और बच्चों के हर तरह के विकास पे फोकस करते हैं। तो वाकई में मतलब ये एक डिफरेंशियल है जी। जी सर। सर, प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल, हम ये कहेंगे अगर इस तरह की मुहिम चलती है तो गवर्नमेंट स्कूल निस्संदेह नंबर वन पे आएगी, जीत उनकी होगी, क्योंकि जो वर्तमान समय में एक टीचर की सिलेक्शन की बात चल रही है, उसको एस्टेट पास करना पड़ता है, उसको स्क्रीनिंग एग्जाम पास करना पड़ता है, उसको एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड तैयार करना पड़ता है, उसके बाद उसका चयन किया जाता है, उसका सिलेक्शन होता है टीचिंग के लिए। और टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो एक बहुत ही पवित्र कार्य है, और इसके लिए दो बातें बोली जाती हैं, अ टीचर मस्ट हैव द प्रॉपर क्वालिफिकेशन, गट्स एंड टेक्निक्स हाउ टू डील विद माई स्टूडेंट्स।
एंड द स्टूडेंट्स और द लर्नर मस्ट ऑल्सो हैव द प्रॉपर डिवोशन एंड इंटरेस्ट. दे विल बी नो ऑब्स्टेकल, दे विल बी नो बैरियर इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. हरियाणवी अनुवाद करना पड़ेगा आपने, क्यों हमारे दर्शक हरियाणवी ज्यादा समझे. चलो सर, एज ए इंग्लिश लेक्चरर मैंने ये जो बात हमारे बुजुर्गों से, हमारे सीनियर टीचर्स से जो सीखी थी, मैंने उस बात को इंग्लिश में बताया और मैं अब इसको हरियाणवी में, क्योंकि मैं हरियाणा की मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ इस मॉडल संस्कृति स्कूल में, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि टीचर के अंदर एक जज्बा हो, टीचर के अंदर एक जोश हो, अच्छी उसकी क्वालिफिकेशन हो, उसके गट्स अच्छे हों, उसके पास टेक्निक्स हो. अभी वर्तमान समय में सारी की सारी चीज़ें पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि टीचर की क्वालिफिकेशन पे कोई डाउट नहीं किया जा सकता. वर्तमान मौजूदा सरकार ने जो सिस्टम बना रखा सिलेक्शन का, चयन बोर्ड जो बनाया हुआ है, उसकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही रिजिड है. इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एंट्री ऐसी नहीं हो जाती भाई, दाने देकर पास कौन है, मतलब डिग्री कहीं और से कर ली, कोई टेस्ट नहीं दिया. अब ऑथेंटिक डिग्री होनी चाहिए, अच्छा उसको एचटेट पास किया होना चाहिए, उसके बाद स्क्रीनिंग होना चाहिए. 7 times, 5 times, 2 times, 1 time में आना पड़ता है टीचर को. और बच्चों का ये सौभाग्य है कि ऐसे टीचर्स के सुपरविजन में बच्चे अपनी एजुकेशन को ग्रहण कर रहे हैं, अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं. और हमारा भी सौभाग्य है कि हमारे ऊपर विश्वास करके पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों से SLC लेकर के हमारे स्कूल में आने लग रहे हैं. और प्राइवेट स्कूल था सरकारी स्कूल मान लगे, इस विश्वास को कायम रखेंगे और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारे स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए लाइन लगेगी. जी वो दिन दूर नहीं जब प्राइवेट स्कूल नया बंद करवा देंगे. एक मिनट, जैसे प्राइवेट स्कूल्स में सिलेक्टेड बच्चे जाते हैं, जो बच्चे जिनके माँ बाप होमवर्क करवा सकते हैं वो आते हैं, जो बच्चे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो वो बच्चे आते हैं, पहले उनको छान छान के लिया जाता. तो बाकी जो बच्चे जिनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलता, हम उन बच्चों को भी एडमिशन देते हैं. हमारे पास सबके लिए रास्ता खुला हुआ है, हर बच्चे के लिए रास्ता खुला है. किसी भी स्टैंडर्ड का बच्चा आता है, हम उसको उस लेवल पे लाने का प्रयास करते हैं बराबर का. दूसरा, एक जो कोई भी अध्यापक है वो आजीवन विद्यार्थी भी रहता है और इस विद्यार्थी वाली प्रक्रिया को जारी रखने के लिए हमारी सरकार, हमारा विभाग, हमारे पास टाइम टाइम पे कब कोई मंथली ट्रेनिंग आती है, कोई वीकली ट्रेनिंग आती है, कोई साप्ताहिक, कोई वर्चुअल आती है या कोई मैनुअल आती है. तो हमारे अध्यापकों की ट्रेनिंग भी चलती रहती है, हम सीखते रहते हैं, बच्चों से भी सीखते हैं और विभाग भी हमें अपने वो पानी जो बदलता रहता है, जैसे ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है उसको रिफ्रेश करने का मौका देती है सरकार. एक घंटे भी बात की और आज न्यू पेरा पटा हमने के जो टीचर है उनका बोला मेरे मुंह मतलब मैं भरा पड़ा हूँ, यानी कि जो टीचर है ज्ञान के भरे पड़े हैं भाई. और असली अध्यापक वो है जो बच्चे के अंदर शिक्षा के प्रति जिज्ञासा के भाव पैदा कर दे, असली अध्यापक वो है. बाकी एक आधा बालक ने न्यू और पूछ लिया इंग्लिश हिंदी का अनुवाद खड़ा बेटे के नाम है दीपक. दीपक वाह बहुत बढ़िया. अच्छा तो बता हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट करनी आवे है? हाँ जी, कि मैं एक सेंटेंस बोल लूंगा उसकी ट्रांसलेट करिए तू है. वंश देर बाजे लोमड़ी सी बाज मारा खेत में जा बड़ी मारा डड़ा धड़ पड़ी. सॉरी शाबाश. तो खैर भाई ये अपनी हरियाणवी है, हरियाणवी की खुशबू है और हरियाणवी को भी समझना जरूरी है. इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, सारी जितनी भी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करा जाओ उतना ही कम है. तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा इस स्कूल में पहुंचे. ठीक है भाई पढ़ो तम और चलो धन्यवाद. तो फिलहाल तो हम देख सको स्कूल की भी छुट्टी होगी भाई, और मेरे कहने के देखो हमारी भी छुट्टी होगी. तो जी ला के वीडियो ने शेयर कर दो भाई, ठोको शेयर, शेयरिंग का तार दो फतूर ताकि मजा आवे भरपूर. मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू. जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान.